दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्लॉग रेडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम खड़े हैं हरिद्वार, पीछे देख सकते हैं आप, पहाड़ है मेरे पीछे और मैं छत पे खड़ी हूँ। धूप में गंगा स्नान करके आए हैं और कपड़े सुखा रहे हैं ऊपर। गंगा घाट के मंदिर देखने के लिए मैं दोबारा हर की पेड़ी पर आई हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पूरा व्यू दिखाती हूँ हरिद्वार का, हर की पौड़ी का। दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब भी देखें आप कितनी भीड़ है चारों तरफ, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। भयंकर कोलाहल हो रहा है, शायद मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी। दोस्तों, गंगा घाट पर मैं दोबारा आई हूँ, सुबह स्नान करके गए थे और अब आई हूँ यहाँ एकांत के लिए, मन की शांति के लिए। और एकदम अकेली हूँ, पूरे घाट पे घूम रही हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है ये वातावरण। कहीं न कहीं इस कोलाहल में भी मन को एक सुकून मिल रहा है, एक शांति मिल रही है। काफ़ी सालों से मेरी केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की बहुत दिली तमन्ना थी, लेकिन वहाँ जा नहीं पाई। लेकिन गंगा घाट पर जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर बने हैं, वहाँ मैं भाव विहोर हो गई। यहाँ प्रार्थना हो रही है ईश्वर से कि जल्द ही मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर पाऊँ। गंगा घाट का पूरा वातावरण भक्तिमय है। यहाँ दीवारों पे जो पेंटिंग बनी है वो भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी मूर्तियाँ हैं, और इतनी सारी भीड़ को चीरता हुआ जो हमारा ध्यान है वो सिर्फ इन आस्था, इन देवताओं की तरफ जा रहा है। मेरे पीछे का गंगा घाट है, दे रहा हूँ काफ़ी भयंकर भीड़ है। 4 बस बहुत भीड़ है यहाँ पे। सामने गंगा मैया के मंदिर हैं। तट पर इस तरह की छोटी छोटी केन आपको मिल जाएंगे जिनमें आप गंगा जल भर कर घर अपने ला सकते हैं। ये पवित्र, शीतल, निर्मल गंगा मैया जो हमारे सभी के पाप धोती है। यहाँ काफ़ी भीड़ है और भीड़ की वजह से गंदगी भी काफ़ी हो जाती है, लेकिन बार बार ये ट्रॉली तट पे घूम रही है और कचरा इकट्ठा कर रही है, जिससे उतनी गंदगी यहाँ तट पे नहीं है। श्री गंगा सभा के सभी सेवक आरती स्थान पर शीघ्र पहुंचे। चूंकि गंगा आरती का समय हो रहा है, इसलिए तट के दोनों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है आरती देखने के लिए। अब हरिद्वार को अलविदा कहने का समय आ चुका है। सभी इकट्ठा हो रहे हैं धर्मशाला में और सब रवानगी के लिए तैयार हैं, गांव आने के लिए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये सफ़र पूरे परिवार के साथ। रात ढल चुकी है और गंगा घाट पे जो आरती हो रही है उसका दृश्य दूर से हमें बहुत ही सुखद दिखाई दे रहा है। ईश्वर ऐसी यात्राएँ सबको दे, पुण्य आत्मा को शांति दे।